बाहर जाने लगी थी तो ये मैं पहनने लगी हूँ अभी कपड़े, फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक। ये देखें एजेस हैं, नीचे भी इसके गोटा लगा हुआ है किनारे पे। आजकल बाजार में मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। सामने इसके फ्रंट से जो है ये कट है और यहाँ तक कट है इसमें, और ये बटन्स लाइन से लगे हुए हैं। पूरे फ्रॉक की जो है मैं ओवरऑल लुक आपको दे देती हूँ, पूरी जो है लॉन्ग फ्रॉक है इस तरीके से। गले पे इसके ही आगे गोटा पाइपलाइन लगी हुई है और इस तरीके से बटन्स हैं लास्ट तक, मिड तक, फ्रॉक के मिड तक बटन लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर ये मैंने लेगी लिया है ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में। ये सिंधी अजरक का डिज़ाइन है, ग्रे और ब्लूश और ग्रे एंड ब्लैक में, बड़ा ही खूबसूरत। इसके साथ ये लगी मैंने डिज़ाइन की है, लगी मैंने अलग लिया था और ये स्टिच फ्रॉक अलग ली थी। और इसके साथ ये शूज़ मैंने स्टाइल किए हैं बड़े खूबसूरत, ग्लिटर ग्रे, ग्लिटर मैचिंग के। और इयररिंग्स जो हैं, ये वाली इयररिंग्स मैं इसके साथ पहन रही हूँ, ग्रे एंड ब्लैक टाइप की, बड़े खूबसूरत। इसके साथ ग्रे मैचिंग के। ग्रे कलर के जो है ना ये इयररिंग्स हैं इसके साथ जो मैं पहन, तो ये इयररिंग्स और ये और पूरा जो है ये मेरा एक सेट मैं पहनने लगी हूँ, पहन के दिखाती हूँ। तो ये है ओवरऑल मेरे ड्रेस की लुक। लॉन्ग फ्रॉक है, स्टिच्ड मैंने ली थी, नॉन स्टफ है, लॉन्ग फ्रॉक है ये, बहुत चली हुई है मार्केट में ना आजकल इस तरीके से। नीचे ये सेंटर से इसका देखिए कट है यहाँ से, और ये इसके साथ ये लेगिंग स्टाइल किया है मैंने, अगर आपको प्रिंट नज़र आ रहा हो तो, साथ ग्रे एंड ब्लैक में अजरक का ही डिज़ाइन बना हुआ है। और इसके साथ ही शूज स्टाइल किए हैं मैंने, चप्पल से जो है सामने देखें पूरे बटन्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर में और यहाँ तक गए हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ये मेरा फ्रॉक है, पजामा है। और इसके साथ दुपट्टा जो ऊपर मैंने ये स्कार्फ अलग से लिया था डबल शेड में सिल्वरिश ग्रे, जैसा शिमरी शॉप चप्पल है ना वैसा ही साथ मैंने स्कार्फ लिया है। ये इस तरीके से मैंने साथ स्कार्फ इसके ना स्टाइल कर दिया था। छोटी छोटी चीज़ों से ना आप की लुक अच्छी क्रिएट हो जाती है। इसके साथ मैंने ये स्कार्फ ले लिया, ठीक है, सिंपल पोनीटेल की इंजे से हाफ बार छोड़ के मैं, और ये है स्कार्फ के साथ मेरी पूरी लुक। पूरा ना ये बड़ा अच्छा ढका छुपा ड्रेस होता है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक चप्पल। ये देख लें जैसा ये ग्लिटरी मेरा स्कार्फ है वैसा ही इसके साथ ये मैचिंग चप्पल्स, ये देखें ये मैंने पहना है, ये स्कार्फ ग्रे है, ये शिमरी ग्रे मैचिंग नहीं हो जब तक तो मजा नहीं आता ना। सात चप्पल्स हैं इसके मैचिंग के, दूर से भी दिखा दूँ आपको और करीब से भी एक लुक दे दूँ आपको। चप्पल मैं कोशिश करती हूँ एक क्लोज ले लूँ चप्पल्स का, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये चप्पल्स।
इसमें मैरून कलर में भी थी ये फ्रॉक, लेकिन मैंने जो है ये इसी में ली है, ग्रे एंड ब्लैक में। मुझे ये ग्रे एंड ब्लैक में बहुत पसंद आई थी क्योंकि बटन्स वगैरह बड़े अच्छे ब्लैक थे इसके साथ। ये मैंने बैग स्टाइल किया है, ब्लैक एंड ग्रे एंड वाइट मिक्स है, ये मैच हो रहा है इसके साथ। छोटे हैंडल्स भी हैं और एक लॉन्ग स्ट्रैप भी है, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसके साथ, मैच हो रहा है। मैचिंग हो रहा है बिल्कुल इसके साथ, और इसी तरफ से ऐसे डिजाइन है इसका, ब्लैक ग्रे और वाइट वो भी सारे कलर्स हैं पर्स में भी, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी स्टाइल करके ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त इधर करते हैं मेरे बेटे को, शॉप जो है ये अल्पाइन गिराटो है और अच्छी है, टेस्टी है। बेटा न्यू टॉय खरीद के लाया है, इसे खोलने के लिए एक्साइटेड हो रहा है।
तो फिर यहाँ तो भी ज़्यादा सीन होगा ना कि कुछ भी टाइम कुछ पता नहीं लेके चीज़ें घर में रखी हूँ। रोज टाइप चिकन मैं बना रही हूँ, मैदा ले लिया मैंने ड्राई फॉर्म में और ये चिकन को मैंने फ्रिज से निकाला है। ब्रेस्ट फिले थे, बोनलेस ब्रेस्ट फिले थे, उनको भी मैंने सेंटर से काट के बारीक पार्चे बना लिए थे। और एक घंटे पहले मैंने मैरिनेट करके रखी थी चिकन, एक घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। और इसमें मसाले जो हैं मैंने लगाए थे, सिरका लगाया था, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, पेपरिका, काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, ये मसाले मैंने इसमें लगा के जो है वो रखे थे। एक घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। अब ये फ्ले मैं लूँगी ब्रेस्ट फ्ले, और ये देखें बिल्कुल, और इनको मैंने ना मसाला लगाने से पहले कांटे से गूंद लिया था बिल्कुल, देखें और बारीक हैं, ये कटे हुए हैं। ये जो है सादा मैदा है, इस कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, इसमें मैदा लगा लेंगे, बड़े क्रंची से बन जाएंगे ना, यहाँ बर्गर में रख के खा लें या वैसे सादे खा लें फ्रेंच फ्राइज के साथ। एक डेढ़ दो घंटे मसाला लगता है ना, तो ये बड़े अच्छे जो है ना रेडी हो जाते हैं। घर के स्नैक्स ना मुझे सब गोल्डन हो गई है, चिकन बड़ा प्यारा सा जो है गोल्डन रेडिश गोल्डन कलर आ रहा है, बहुत टेस्टी होते हैं ये, इस तरीके से ये जो ब्रेस्ट फिले फ्राई होते हैं सब। जी गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई तुम्हारी है फोन? चलो उठो फिर, मैं फीडर बना के दूँ तुम्हें। कौन कौन सी है यार? चीकू है, और कौन सी मंगाई थी दूसरी? चीज केक, चीज केक आइसक्रीम, और ये फालूदा है। फालूदा मंगाया है, अच्छा ठीक है चलो। यार फालूदा तो बहुत मजे का लग रहा है। चेरीज मैं लाई थी धो के, वॉश करके मैंने रखी है, अभी रखने लगी हूँ फ्रिज में। और आलू अंडे बनाए थे मैंने सालन, और लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि साथ कुछ बाज़ार का भी हो, तो मेरे हस्बैंड ने अभी सबवे मंगवाया है, दिखाती हूँ शक्ल से तो प्यारा लग रहा है सैंडविच। एक्चुअली बाहर डाइन इन करने नहीं दे रहे ना, तो हैं वो घर मंगवा लेते हैं सबवे वगैरह और खाना वगैरह। सैंडविच देखने में तो मज़े का लग रहा है। काफ़ी अच्छा टेस्टी सैंडविच मंगाया है, काफ़ी बिग सैंडविच मंगा लिए, तो आज जो है वो डाइटिंग का जो है वो कबाड़ा होने वाला है। लेकिन सबवे मेरा फेवरेट है, ऐसा हो नहीं सकता कि सबवे आए और मैं ना खाऊं। तो ये तो खाना हो गया आज का, मैंगोज वगैरह फ्रिज में लगा दिए थे मैंने।